सर आपने लैपटॉप का बताया था इसमें कि वो एक लैपटॉप रखा हुआ है तो वो डिपार्टमेंट की ज़रूरत होगी। ऐसे ही है। अच्छा सर, रिजर्वेशन को हम लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास अपना वेयर हाउस में जगह ना हो और हमने एडवांस में कोई कोई प्रोडक्ट वगैरह मतलब कि रिजर्व करवा दियो, मतलब कि जिस तरह फाइफो होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि एक सामान निकल जाएगा वेयर हाउस से तो वो सामान फिर वापस आ जाएगा हमारे पास रिजर्व, कह सकते हैं इस तरह? हो सकता तो सर भी ये रिजर्वेशन तो मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग में आई थिंक सो यूज होगी ना सर, राइट? जी हाँ जी हाँ। ओके ओके सर। अच्छा ये देखें कि मैंने मूवमेंट टाइप दे दी 201। ये 201 क्या होती है? इश्योरेंस होती है कॉस्ट सेंटर के अगेंस्ट या किसी डिपार्टमेंट के अगेंस्ट, ठीक है। आप इसको एंटर करेंगे, ठीक है। ये उस डिपार्टमेंट का कॉस्ट सेंटर या उस डिपार्टमेंट का नेम है, ठीक है। आपने ये दिया, आपने मटेरियल दे दिया और आपने उसकी क्वांटिटी दे दी, ठीक है। इसको मैं करता हूँ इसको कर देते सेव, तो ये नंबर आ गया आपके पास। अब ये जो नंबर आया इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इससे MB22 से एंटर करें, आप इसमें क्वांटिटी 2 भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको सेव कर दें, चेंज भी हो जाती है। दोबारा खोल दें इसको, एक कर दें, या आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा सा रिजर्वेशन करवाई, अब रिजर्वेशन के बाद क्या होगा कोई बताएगा मुझे? रिजर्वेशन के बाद क्या होगा कोई बताएगा? आप लोगों ने कोई थ्योरी नहीं पढ़ी हुई जितनी मैंने करवाई है। रेफरेंस टू रिजर्वेशन एंटर, सॉरी रिजर्वेशन मूवमेंट आई पी इज 201 और यहाँ पे रिजर्वेशन का नंबर दो। यहाँ पे मैं डेट चेंज कर दूंगा, ये साथ साथ कर दूं आप लोगों को सेंड या रहने दूं? अगर कहते हैं तो रहने देता हूँ। हेलो सर, कर दें रात से इजी हो जाता है, बाद में स्टेप को देखना। तो ये आप इसके अगेंस्ट ये 1 इशू कर देंगे, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी में ये देखें स्टॉक ओवरव्यू का बटन है, इसको ओके करें। इसके बैच डिफाइन किया हुआ किसी ने प्रोडक्शन प्लानिंग में है, इसको बोस्ट
एक्सक्यूज मी सर जी सर, इसका मतलब है कि मैंने कुछ एक आइटम को रिजर्व किया था ताकि कोई और इसको यूज ना कर सके, क्योंकि हमें भी जरूरत पड़ रही हो फ्यूचर में, तो अभी फ्यूचर में हमें जरूरत पड़ी है, तो अभी मैं जो है ना वो रिलीज कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट ये सॉरी मटेरियल को, राइट सर? ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, वो जो मैंने एक की रिजर्वेशन की थी मैं उसको इशू कर रहा हूँ, गुड्स इशू रेफरेंस टू उसी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, और यहाँ मैं पोस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आ गया। ओके सर, अब मैं वापस आता हूँ। अब सेकंड मेरा रोड मैप गया था स्क्रैपिंग का, आप गुड्स इशू करेंगे रेफरेंस टू अदर, अगर आपने कोई भी मटेरियल स्क्रैप करना है, कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, तो यहाँ पे मूवमेंट टाइप आप देंगे 551, ये मैंने आप लोगों को लिखवाई थी, गुड्स इशू स्क्रैपिंग। यहाँ पे आप मटेरियल का नंबर दे दें, सबसे पहले डेट चेंज करेंगे, मल्टी डालते हैं वन, आप स्टोरेज लोकेशन से इसको स्क्रैप कर रहे हैं, जब आप ये करेंगे तो क्या होगा, ये स्क्रैप हो जाएगा इसका एक मिनट। अगर मैं सर एक्सक्यूज मी सर, ये अभी जो आपने प्लान एंड स्टोरेज लोकेशन डाली, ये मटेरियल की अभी करंट पोजीशन है क्या, ये स्क्रैप? ये देखें, ये देखें, अभी 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 ये देखें, ये कितना पड़ा हुआ है इसका, ये क्या कितने है, वन है, कितना स्टॉक पड़ा हुआ है इसका, ये देखें स्टॉक ओवरव्यू इसका कितना है, वन। इसको बैक करता हूँ, ये मैं इधर से आया, इसको क्लिक करके, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको पोस्ट करता हूँ, कहता है वेंडर बताओ जिसको दे रहे हो आप, 1045। ठीक है, इसको ओके करें, और आप यहाँ से इसको डॉक्यूमेंट को इसका भी मैं इमेज भेज दिखा रहा हूँ। तो ये आपके पास आ गए स्क्रैपिंग, यानी आप क्या कर रहे हैं, गुड्स इशू कर रहे हैं स्क्रैपिंग के लिए। मेरे पास एक था इसका, अभी इसके बाद हम लोग इसकी स्टेटस देखेंगे कि क्या है। क्वेश्चन सर जी, एक मिनट वेट।
वेट वेट वेट, अच्छा मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ तो ये लास्ट डॉक्यूमेंट आ जाता है मेरे पास, इसके ऊपर एंटर करता हूँ और यहाँ पे अगेन मैं इसका ओवरव्यू देखता हूँ। ये डॉक्यूमेंट मैंने अभी पोस्ट किया है, इसका ओवरव्यू देखते हैं। तो ये देखें क्या हुआ, मेरे पास जीरो हो गया क्योंकि ये स्क्रैप हो गया था, मैंने इसको इशू कर दिया।